नहीं, इसके अलावा भाई और भी तरकीब जानते हो घुस कर और लोगों को चकमा देकर उनका ATM कार्ड बदल के पिन जानने के बाद से और ATM की धोखाधड़ी करने वाला एक गैंग है जो मूलतः जौनपुर का रहने वाला है और चार लोग इसमें शामिल पाए गए थे जो गाड़ी से विभिन्न जगहों पर अंतरजनपदीय संचरण करके ATMs में पैसा निकालने वाले ग्राहकों को के साथ धोखाधड़ी करते थे। इन्होंने अभी तक की पूछताछ में जनपद जौनपुर में और सुल्तानपुर में, अंबेडकर नगर में, गोरखपुर में घटनाएं किया जाना कबूल किया है। इनके कब्जे से कुल 11 ATM और घटना में जो प्रयोग की जाने वाली टाटा सफारी गाड़ी थी वो टाटा सफारी गाड़ी, 5 अदद मोबाइल बरामद किए गए हैं, साथ में 11,100 रुपये भी बरामद किए गए। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये बैंक के ATM के अंदर पहले से मौजूद रहते थे और ग्राहक जैसे ही अपना ATM से पैसा निकालने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, 4 सक्रिय सदस्य को पुलिस ने हिरासत में लिया है, साथ ही इनके पास से एक सफारी गाड़ी, कई ATM और उसके अलावा 11,000 रुपये भी नकद मिले हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में और भी छानबीन कर रही है, लेकिन इन गिरोह के पकड़ने के बाद ये साफ तौर पर एक ये बात निकल के सामने आई है कि अभी तक इन लोगों ने 50 लाख रुपए से अधिक की हेरा फेरी ATM को हैक करके की है। पंकज मिश्रा, ATV भारत, अम्बेडकर नगर।